welcome back to my channel. My name is Asnan and you are watching Road Rangers of Pakistan once again. Another day in Sharjah. Right now I'm here at the Center Souk. There is another park, is Ittihad Park. So, हमारे आज के अपना सेंटर सूक को किस तरीके से अच्छा सॉक 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 मीन्स व्हाट इट इज़ मार्केट. तो यहाँ पर एक सेंटर सॉक के नाम से मार्केट है और ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है. तो हमने सोचा कि आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि इस मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें जो हम एक्सप्लोर करके आपको दिखा सकते हैं. मैं सिर्फ शारजा इसलिए आया हूँ कि मैं जो चीज़ देख सकता हूँ या दिखा सकता हूँ आप लोगों को वो दिखाऊँगा. और मुझे लिटरली आइडिया नहीं है कि अंदर क्या चीज़ें होंगी, बस मार्केट तो मार्केट ही होती है. बट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि दो सेम तरह से जो है ना वो एंट्रेंस है और आपको जो नज़र आ रहा होगा वहाँ पे पीछे जो एक फाउंटेन छोटा सा नज़र आ रहा है तो वो सेम दो तरह से जो है ना उन्होंने सेम बनाया हुआ है. एक तरफ से आप रोड के उस पार से घुसोगे, रोड के उस पार से निकलोगे. तो बस इस वजह से मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला चलो देखते हैं चल के अंदर की यहाँ पे जो इन्होंने मॉल्स या मार्केट बनाए हुए हैं. और सेंटर सोक मीन्स इसकी जो शारजा का जो सेंट्रल एरिया है ये इसके बिल्कुल सेंटर में है. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मतलब यानी कि हम नहीं परचेस करना चाहेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम कर सकते हैं. लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको दिखा सकें कि शारजा में किस तरह से क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्यों लोग शारजा आते हैं और क्यों आना चाहिए, क्या वजह है. और कभी अगर कोई शारजा आए तो मेरी वीडियो की तवज्जो से वो ये देख सके अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो डायरेक्ट स्पेसिफिक लोकेशन पर चला जाए, ना कि वो किसी से पूछे कि मुझे यहाँ जाना है, ये चाहिए वो चाहिए. तो हम कोशिश करेंगे दिखाएँ कि एज मच एज़ आई कैन एक्सप्लोर मैं कोशिश करूँगा दिखाता हूँ. तो हम चलते हैं अभी सोक के अंदर और कोशिश करेंगे कि अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊँ. जितनी नॉलेज होगी वो शेयर करूँगा, अदरवाइज़ आई एम सॉरी इन एडवांस. ओके तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम चलते हैं वीडियो को दिखाएँ. यहाँ कुछ फाउंटेन है और ये इसका जो एंट्रेंस है टॉप. और अब हम इस एंट्रेंस से जाएंगे अंदर और हम चेक करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें आपको दिखा सकते हैं. अच्छा, घुसते ही जो मैंने देखा वो ये है कि यहाँ पर एक गोल्ड मार्केट है स्टार्ट में. तो गोल्ड के लिए यहाँ अगर आपको आना है तो गोल्ड मार्केट आपको स्टार्ट में नज़र आ जाएगी. और उसके बाद अंदर जो चीज़ें हैं, अंदर का एनवायरनमेंट भी हम करते हैं दिखाते हैं किस तरह अंदर का एनवायरनमेंट. सबसे पहले तो क्या है कि जो वेलकम डोर है, देखो ये हमारे आते ही वेलकम डोर खुल जाएगा. और ये गोल्ड की कुछ चीज़ है यहाँ पर और ये इसका एनवायरनमेंट है ऐसे. और गोल्ड का ज़्यादातर फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गोल्ड की हैं और गोल्ड के जो ऑप्शन हैं वो बहुत ही खूबसूरत है ये बात. तो हम कोशिश करते हैं कि किसी से यहाँ पे इंटरव्यू भी लें अपना, लेकिन कोशिश करेंगे ले सकें या ना ले सकें. चलते हैं हम एक भाई को देखते हैं यहाँ पे किसी ना किसी से इंटरव्यू तो लेंगे. सो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो गोल्ड की मार्केट है और मैंने भाई से कोशिश की थी कि मैं उनका इंटरव्यू ले सकूँ, बट उन्होंने कहा कि यार इंटरव्यू नहीं दे सकता मैं. तो मैंने फिर जब उनसे परमिशन लिया तो उन्होंने कहा कि भाई वीडियो तो शायद मैं ना बना सकूँ, मैं नहीं आना चाहता. तो फिर मैंने उस वीडियो को काट दिया. तो अभी हम चल रहे हैं, ज़्यादातर गोल्ड का ही यार फिलहाल यहाँ पे सामान नज़र आ रहा है. हम चलते हैं पहले ऊपर, मुझे ऊपर अच्छा लग रहा है, हम पहले ऊपर एक्सप्लोर करते हैं. सेकंड चीज़ क्या है कि ऑटो एक्सीलेटर, जैसे आप करीब पहुँचोगे तो ये जो इनकी यानी कि मैं अगर उर्दू में समझाऊँ तो एक्सीलेटर यानी कि लिफ्ट, तो ये ऑटो जो है ना वो अप हो जाएगा. और यार बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे मार्केट यार, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है. अच्छा, टॉप से भी कुछ इन्वायरमेंट है, हम यहाँ टॉप भी देख सकते हैं. और यार ये बेसिकली सेंटर्स यानी गोल्ड मार्केट है जो मुझे समझ में आया. ज़्यादातर यहाँ पे गोल्ड 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 का ही सामान नज़र आ रहा है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर परचेजिंग गोल्ड देयर. और यहाँ पर बस यही मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो यही है. हम चलते हैं कुछ एक आध गली के अंदर, गली में भी कुछ चीज़ें बिक रही हैं. तो ये हैं मतलब खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत इस तरह गलियाँ बनी हुई हैं, जगह जगह स्ट्रीट्स हैं और इस तरह से परचेजिंग होती है. तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहे हैं सेंटर सोक की और नाउ आई रियलाइज कि ये गोल्ड सोक ही है. और मुझे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो यहाँ पर ये स्टोन्स वगैरह और इस तरह के ब्रेसलेट्स और ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं. सिल्वर के ब्रेसलेट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसेस भी हैं आई थिंक. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड्स वाले ही लोग हैं. और कुछ कालीन हैं, कुछ अच्छी सी खुशबू वाले चीज़ें रखी हैं इन्होंने. और बहुत कोई पुरानी आई थिंक कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें
बना के इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पर। तो फिलहाल आई थिंक ये कुछ बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना वो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। सो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही कूल है और गोल्ड की चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पर। अच्छा, मोबाइल के पाउच कुछ कवर वगैरह भी रखे हुए हैं जिसके ऊपर आई थिंक कुछ हैंडमेड कुछ समथिंग कुछ हैंडमेड या कुछ सिल्वर के जो पाउच होते हैं ना जो, हाँ ये सिल्वर के पाउच है, कुछ जो मोबाइल पाउचेस हैं वो सिल्वर के। और इस तरह से एनवायरनमेंट यार बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे और मैं क्या बताऊँ, बस यहाँ पे गोल्ड ही है भाई। ये ब्लॉग से लड़कियों के लिए हो जाएगा सारा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं जिसमें गोल्ड्स के रिंग्स हैं, एयर रिंग्स हैं और स्टोन्स वगैरह हैं बहुत सारे। सेंटर सोक तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये देखो पॉब्लम के लिए, यहाँ देख लो इसका स्टोन देखो, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें तो। यार बड़ी काम धाम की चीज़ें हैं यहाँ पे मार्केट। अच्छा, उस तरफ सामने कालीन और दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पुराने आई थिंक कुछ जो अरब के कुछ मामलात हैं वो हैं, कैमल्स वगैरह और का कुछ समथिंग पुराने जो ओल्ड टाइप के। अच्छा, मोमेंट्स वगैरह पुरानी जो तलवारें और पुराने जो इक्विपमेंट वगैरह हैं जो पुराने ज़माने के बादशाहों के ज़माने का इतने, तो वो हैं ये जो फाइट्स वगैरह में इस्तेमाल होते थे या कुछ समथिंग। तो पुरानी पुरानी चीज़ें भी बहुत हैं। मैं इनसे पहले थोड़ी सी परमिशन लेता हूँ, फिर इनसे वीडियो बना सकते हैं, बना सकते हैं, फिर देखते हैं। तो ये वही एंटीक शॉप है, पुरानी चीज़ें वो। और दिस कैट, कैट से हाय, शी सेज हाय हाय। तो एंटीक एंटीक चीज़ें यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी हुई। और ये कालीन की शॉप है, तो आप यहाँ कालीन बना सकते हैं। अच्छा देखो, बताए कैसे कालीन बेचते हैं। और आपके सामने ये लड़का नज़र आ रहा है, ये जो लड़का है ना, ये यही वीडियो बना रहा है कब से आप लोगों के लिए, तो इसको भी देख लो भाई। एनीवे, इट्स अ वेरी गुड थिंग यार, बहुत मज़े की जगह है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पर्सनली घूमने में। कैमरे में पता नहीं कितना नज़र आ रहा है कितना नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो यार उर्दू नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते ज़्यादातर लोग। और ये गोल्ड प्लेट्स हैं आई थिंक, ये गोल्ड से सिक्के होते हैं हमारे पास, उस तरह की गोल्ड के सिक्के वगैरह इन्होंने कॉइन और चीज़ दूसरी चीज़ें बनाई हुई। मोस्टली पीपल जो है वो, अच्छा ये स्टोन शॉप है। और यहाँ पे देखिए मस्जिद का जो है ना वो हर जगह निज़ाम ऐसा बनाया कि मस्जिद हर जगह होती है, हर जगह मस्जिद होती है। बाकी बस घूमने के अलावा कोई चीज़ नहीं ऐसी जो मैं आपको दिखा सकूँ, और घूमना 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 ही है यहाँ पर, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको कोई डिटेल। अच्छा, अल माशी कारपेट समथिंग। सो पूरी मार्केट जो है ऑलमोस्ट मैंने घूम ली है, हम एस्केलेटर लेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि एक तरफ से एंट्रेंस है और दूसरी तरफ से यहाँ से आप आउट जा सकते हैं। तो आपने देखा सेंटर सोक में सिर्फ और सिर्फ, सो आपने देखा कि सेंटर सोक में सिर्फ और सिर्फ जो है वो गोल्ड की चीज़ें ही हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ गोल्ड मार्केट। और जिस तरह से हम वहाँ पे एंट्रेंस किया था हमने, उसी तरीके से सेम के सेम एंट्रेंस यहाँ पे आउट है। जिस तरह इन उस तरह आउट, सेम सेम सिनेरियो। तो विदाउट वेस्टिंग, सो अब हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग का करते हैं अख्तिताम और आपको दिखाते हैं यहाँ से निकलने वाला फाउंटेन, और ब्लॉग हो जाएगा हमारा एंड। तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। और फाउंटेन देखें बस। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि ये ब्लॉग बहुत अच्छा मैंने बनाया है, तो इसको सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा, और साथ साथ बेल का आइकन आपको पता है कि दबाना होता है। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, तो आप ज़रूर इसको कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फर्दर मोर ब्लॉग्स मैं बनाता रहूँगा। सेंटर सोक कैसा लगा, ये इसका एंट्रेंस जैसे मैंने वहाँ दिखाया था आपको, ये एंट्रेंस है सेम, तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था वैसे ही बिल्कुल यहाँ है। तो अब अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए बी रेडी।
सेंटर सोक का जो फ्रंट है वो ये है कि इन्होंने देखें बिल्कुल आपको सिंपल नज़र आ रहा है सामने से, और सेम इन्होंने क्या किया है कि ये कनेक्टिंग है आपस में, वहाँ से वहाँ आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा सेंटर में, और फिर बिल्कुल सेम फाउंटेन देखें सेम टू सेम इन्होंने एक वहाँ से स्टार्ट किया एक यहाँ से। अच्छा बोथ साइड जो है ना, बोथ साइड बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है, सेम फाउंटेन और सेंटर में ब्रिज इन्होंने बनाया। ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये वाला, ये पूरा ब्रिज है, आप इस मार्केट से इस मार्केट में कनेक्ट हो सकते हैं, और यही रोड भी बीच में चल रहा है आपस में। तो दैट्स वाई आई एम हियर। सो मैंने सोचा कि मैं इसको सही से कंसीडर करूँगा और इसको सही से एक्सप्लोर भी करूँगा पूरी तवज्जो से, ताकि आपको बता सकूँ। तो गोल्ड लेना है अगर तो आपको सेंटर सोक ही आना पड़ेगा। ये सेंटर सोक सबसे फेमस है फॉर गोल्ड, दिस इज़ द गोल्ड मार्केट। ओके,